हाय गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल विद अंशु में, जहां आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि हाउ टू लुक अट्रैक्टिव इन एनी गारमेंट। आप कुछ भी पहन रहे हैं उसमें आप कैसे सुंदर और अट्रैक्टिव दिखें। मैं आप लोगों के साथ ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप अगर ध्यान में रख के चलेंगे तो आप कुछ भी पहनेंगे, किसी भी टाइप का इंडियन गारमेंट पहने या वेस्टर्न गारमेंट पहने, तो आप अट्रैक्टिव दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर ज़रूर करिए मेरी वीडियोस को, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जब भी आप गारमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं या उसका कलर सेलेक्ट करें, बेसिकली अभी हम बात करें कलर की, जब भी आप अपने गारमेंट के लिए कलर सेलेक्ट करें तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि हर स्किन टोन के ऊपर हर कलर अच्छा नहीं लगता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे ऊपर हर कलर अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी किसी कलर में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है मेरा जो फेस है या मेरा जो लुक आता है वो किसी किसी कलर में बहुत ही अच्छा आता है, अट्रैक्टिव लगता है। और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कलर्स भी हैं जिनमें मेरा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डल लगता है, चाहे मैं कितना अच्छा मेकअप कर लूँ या कितना अच्छे से अपने आप को स्टाइल कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि मेरे कलर के ऊपर भी कुछ कलर अच्छे लगते हैं स्किन टोन के हिसाब से और कुछ कलर अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर लेने जा रहे हैं या जब भी आप अपने लिए कोई भी गारमेंट लेने जा रहे हैं तो उसका जो कलर है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन हो, जो आपकी स्किन टोन को एक कॉम्प्लीमेंट दे, आपके लुक को एनहेंस करे, अट्रैक्टिव बनाए, ना कि आपको और ज़्यादा डल दिखाए। अभी रखिए, जब भी आप कलर का सिलेक्शन करें अपने लिए गारमेंट में तो आपकी स्किन टोन के हिसाब से ही करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको एनहेंस करना है या अट्रैक्टिव बनाना है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की। जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ अ कुर्ती अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप। मैंने बॉडी शेप के ऊपर एक नहीं दो वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले मेरी वो वाली वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आप लोगों के से क्या बात बोलना चाह रही हूँ। कि क्योंकि हर किसी की जो बॉडी शेप होती है वो डिफरेंट होती है, हर किसी का जो अपीयरेंस आता है बॉडी का वो डिफरेंट डिफरेंट आता है, हर सबकी बॉडी शेप सिमिलर नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप अगर आप अपने लिए गारमेंट परचेज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। लुक जो मैंने आज कुर्ती पहनी हुई है वो मैंने लाइंस में परचेज किया, क्योंकि मेरा हाइट थोड़ी छोटी है तो लाइंस को मैंने ऐसे ना लेकर स्ट्रेट में लिया, जिससे क्या अपीयरेंस आएगी कि मैं लंबी हूँ और मेरा लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप कुर्ती लें, सूट्स लें, कि आपकी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप ही लें। उससे क्या होगा, आपका लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आएगा, आप बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स होती हैं ना जो हमारे लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नोटिस करेंगे कि हम उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, हमने अच्छा खासा ड्रेस पे इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा मेकअप किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें की कमी लग रही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो आपके लुक को प्रॉपर चेंज कर देंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे लेकिन आप खुद इनको अगर अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप ज़्यादा डिले ना करते हो, हम बात करते हैं सेकेंड थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट है वो आता है आपका लिप कलर। आप हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी हम लिप कलर लेते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे ऊपर ये कलर कैसा लगेगा, हम जो लिप कलर हमें पसंद आया हम लोग परचेज कर लेते हैं। नो, इसमें भी आपको सेम वो इसी पॉइंट का ध्यान रखना है कि हमेशा लिप कलर जब भी परचेज करें या लिपस्टिक जब भी परचेज करें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपके लुक को बढ़ा रही है या घटा रही है। मैंने ये अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है एक टाइप से, कि मैं कुछ ऐसे लिप कलर हैं जिसमें मेरा फेस है ना एकदम ऐसे डल लगने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लुक आते हैं उनको लगाने के बाद। और कुछ ऐसे लिप कलर होते हैं जो अगर मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, अगर मैंने जस्ट वो लिप कलर अप्लाई कर लिया है तो मेरा लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आता है और अच्छा भी लगता है, सामने वाले लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अगर आप एकदम परफेक्ट लुक होता है, अट्रैक्टिव लुक होता है, तो हर कोई चाहता है अच्छा और अट्रैक्टिव दिखना। जैसे कि अगर आप रेड कलर
चाहते हैं। आप बोलोगे ऐसे तो हम कोई भी कलर नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हो। जैसे सपोज़ करिए आप रेड कलर लेना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से रेड कलर की कौन सी टोन आपके लिप कलर के लिए परफेक्ट होगी। क्योंकि आप हमेशा देखिए रेड कलर सिंपल, हमने एक रेड कलर बोल दिया, लेकिन रेड कलर में भी बहुत सारी टोन्स होती हैं। जैसे एकदम टमाटरी रेड होता है, ब्लड रेड होता है, एक प्लेन बिल्कुल रेड होता है, एक मेहरून होता है, एक थोड़ा पीचिश रेड होता है। तो इसी तरीके से रेड में भी काफ़ी ज़्यादा टोन्स हैं। तो हमेशा कोई भी कलर ले रहे हैं लिप कलर खासकर, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा वो आपके स्किन टोन के हिसाब से हो, जिससे कि आपका लुक अट्रैक्टिव हो, ना कि वो आपको और ज़्यादा डल दिखाए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है अपनी स्किन को लेके, अपने फेस को लेके, अपनी फुल बॉडी को लेके। इसमें हमें क्या करना है, अपने आप को वेल ग्रूम रखना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। अगर आप हेल्दी हैं और वेल ग्रूम्ड है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप ही अट्रैक्टिव लगेंगे। लाइक जैसे आप अपनी आईब्रोज में जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको हमेशा कोशिश करिए कि निकाल लें, या टाइम टू टाइम आप पार्लर जाके उनको अच्छे से अपनी आईब्रो को शेप अप करा लें। सेकेंड, अगर अपर लिप्स वगैरह हैं तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पॉइंट पे रखें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अपर लिप्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही हैं, आईब्रोज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो ओवरऑल लुक को है वो अट्रैक्टिव नहीं दिखाता है। और थर्ड पॉइंट आता है नेल्स। आपके जो नेल्स हैं वो हमेशा या तो आप, अगर आपको लॉन्ग नेल्स पसंद है तो आप अगर नेल पेंट लगाकर उसको मैनेज कर सकते हो तो अपने नेल्स पे अच्छे से नेल पेंट लगा के उसको मैनेज करो। अगर आप नेल पेंट लगा के मैनेज नहीं कर सकते हो, जैसे मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे को नेल पेंट लगाना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विदाउट नेल पेंट ही अपने नेल्स को रखूँ, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगेंगे। एटलीस्ट वो जो जगह जगह से छूट जाती है ना नेल पेंट, उससे मच बेटर है कि आप नेल पेंट ना ही लगाओ। अगर आपको शौक है तो आप न्यूड कलर लगा सकते हो, जो काफ़ी लंबे टाइम बाद नोटिस होते हैं कि हाँ वो हट गए हैं, या फिर आप ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लगा लीजिए अगर आपको नेल पेंट लगाने का शौक है। और अपनी स्किन का खास ध्यान रखें। आप जब भी आप बाहर से आ रहे हैं, आप जॉब वर्किंग है, या आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आप घर पे हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें। और फर्स्टली तो आप जब भी रात को सोने से पहले अपना पूरा मेकअप निकाल के अच्छे से अपने फेस को वॉश करें, देन मॉइस्चराइजर ज़रूर करें अपने फेस को। इससे क्या होता है ना कहीं हमारी स्किन पे एक फ्रेशनेस बनी रहती है, जिससे कि हमारा लुक अट्रैक्टिव आता है। दूसरा, आप पानी की जो क्वांटिटी है पीने की, उसको 3-4 लीटर ज़रूर रखें। इससे क्या होता है, जब मैं ये पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मैं पानी कम पीती हूँ ना, तो मुझे मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने नज़र आने लगते हैं। अब देखिए मेरे फेस पे दाने नहीं होते, क्योंकि मैं पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मुझे इतना लीटर पानी पीना है। मैंने अपने माइंड सेट कर रखा है कि मुझे पानी पीना है, तो मैं ये कहीं ना कहीं आपके फेस पे ग्लो लाएगा, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कि जब आप अपना मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छे से वो अट्रैक्टिव लुक देगा। आप अगर आपका चेहरे पे छोटे छोटे दाने हो रखे हैं, आप उसको मेकअप से कितना कवर कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र ज़रूर करें अपनी स्किन को, और हमेशा मेकअप रिमूव करके सोएं। थर्ड, आप पानी जितना हो सकता है 3-4 लीटर या 5 लीटर इफ़ यू आर एबल टू ड्रिंक, तो ज़रूर पानी पीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी पीने से हमारी पेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे जो एक ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो जिसको बोलते हैं ना, उसके सामने आप कितना भी मेकअप कर लें, वो ग्लो एक अलग ही ग्लो होता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट की वो होता है, जब भी आप एसेसरीज परचेज कर रहे हैं, एसेसरीज ले रहे हैं, एक तो हमेशा ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू योर फेस कट, हमेशा अपने फेस के हिसाब से एसेसरीज परचेज करें। जैसे किसी का छोटा फेस होता है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं अच्छे लगते हैं, और किसी का बहुत बड़ा फेस है तो उसके ऊपर छोटे छोटे इयररिंग्स नहीं अच्छे लगेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को ओवर एसेसराइज नहीं करना है कि हमने हैवी सा नेकलेस पहन लिया है, हैवी से इयररिंग्स पहन लिए हैं। नो, नेवर, कभी मत करिए, ये एक पूरे आपके लुक की बैंड बजा देता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आप अपना पूरा ओवरऑल लुक देखेंगे।
हमेशा कोशिश करिए ये ना अपने आप को सिंपल रखेंगे, कहीं ना कहीं आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो हमेशा जो जब भी इयररिंग्स ले रहे हैं या नेकलेस वगैरह परचेज कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आपके फेस के अकॉर्डिंग हो। दूसरा, आप उनको जब पहन रहे हैं या कैरी कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल भी ओवर ना करें। समटाइम हम क्या होता है ना, ये छोटे छोटे से इयररिंग्स पहन लिए, अच्छी हैवी साड़ी पहनिए, छोटे छोटे से इयररिंग्स पहन लिए, नहीं। अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो आप साड़ी, अगर आपने हैवी साड़ी पहनी है तो आप अच्छे से स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन लीजिए। आपकी अगर लाइट साड़ी है और तो आप अच्छा सा चोकर पहन सकते हैं या अच्छा सा हैवी नेकलेस पहन सकते हैं। या आपकी अगर सपोज़ करिए आपका प्लेन सूट है तो आप डेफिनेटली अच्छा सा नेक पीस पहनिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी के घर एज अ गेस्ट जा रहे हैं। और अगर आप सपोज़ करिए आपका सूट बहुत हैवी है, वो इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, तो आप जाइए ना, आप अच्छे से स्टेटमेंट इयररिंग्स पे जाइए, तो उससे क्या होगा, आपका लुक बैलेंस हो जाएगा। अगर आप हैवी सूट के साथ हैवी सा नेकलेस पहन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके पूरे के पूरे लुक को। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको किसी भी बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो अब ज़्यादा डिले ना करते हैं, वीडियो को लास्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।